नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, हाजीपुर में जो पासवान और यादवों के बीच में हिंसक झड़प हुई, अब उसमें बड़ा खुलासा हो रहा है। किस तरीके से यादव समाज जो है वो एक गुट होते हैं और उसके बाद पासवान समाज पर हमला करते हैं, इसका खुलासा आज खुद उसी गाँव के मुखिया कर रहे हैं। यानी कि इस्माइलपुर में ये घटना घटा था और इस्माइलपुर के जो मुखिया जी हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। लेकिन हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रवि राज जी हैं, पासवान समाज के भीम आर्मी प्रदेश के महासचिव हैं, बिहार से हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अब तो खुलासा भी हो गया है, मुखिया जी खुद अपनी गलती मान भी रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, हम यादवों ने मिलकर पासवान की बस्ती पर हमला किया। नहीं तो ये तो सही है कि यादवों ने जो गलती की, मुखिया जी उसको ये बोल भी रहे हैं कि किए हैं, लेकिन यहाँ एक चीज होनी चाहिए थी कि आज घटना का 10 दिन बीतने जा रहा है, तो कम से कम मुखिया जी जो बोले कि यादवों द्वारा किया हुआ घटना गलत है, तो कम वो पूरे लोगों का, पंचायत का मुखिया है, तो उनको चाहिए था कि यादव और पासवान समाज और भी समाज को बैठाकर इस मुद्दा को वहां खत्म कर देना चाहिए था। और उसी जगह उनको एक चीज करना चाहिए था कि आपस में असमंजस बनाकर ये राजनीतिक और सामाजिक और ये जो जातीय अकरंज जो हो रही है इसको वहां उनको खत्म करना चाहिए था। जब मुखिया जी खुद बोल रहे हैं कि यादवों द्वारा किया हुआ ये घटना गलत है, तो वहां कम से कम उनको सपोर्ट करना चाहिए था ना। वैसे गरीब लोगों को मारा गया, जो गरीब आज अपना खुद का इलाज नहीं करवा सकते हैं जी। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलाज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मुखिया जी का कहना है कि अब वहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन ग्रामीण जो है वो अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी उन्हें डर सता रहा है कि फिर से एक बार ऐसा घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ये सही बात है, आपका कहना सत्य है। हमने भी जब बात किया था तो वहाँ के ग्रामीण जो भी पासवान थे, महिलाएं तो खास करके वहाँ पे इतनी डरी हुई है कि महिलाओं को मार खाते देखी है, जितने भी महिला वो खुद डरी हुई है कि कभी भी वो लोग जो है कि संख्या इवन की ऐसा भी हुआ कि हम हॉस्पिटल में जाकर एक महिला से बात किए हैं, जब उनसे मुलाकात किए तो महिला को हमने कहा कि आप अपना खाता दीजिए, तो वो बोली कि भैया आप मेरे साथ गांव चलिए, मेरे घर पे है। हम बोले क्यों, तो नहीं मेरे को वो लोग बोला है सब वहाँ के लोग, सब यादव लोग, कि गाँव में घुसोगी तो तुम लोग को जान मार देंगे। तो आज भी डर कायम है और इसी डर को देखते हुए हमने जो है कि DSP हाजीपुर वैशाली से बात करके वहाँ पे पुलिस बहाल करवा के 4 पुलिस गार्ड को तैनात करवाया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि पुलिस कब तक रहेगी, समाज में लोग जो है कि लाफी लंबा जिंदगी जिएंगे तो लंबा तो पुलिस प्रशासन नहीं रहेगी, तब वहाँ पे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो पासवान समाज के हो या यादव समाज के हो या किसी भी समाज के हो, तो उनकी दायित्व बनती है, हम सबों की दायित्व बनती है कि वहाँ बैठकर इस झगड़े को सब दिन के लिए खत्म किया जाए और आपस में प्रेम भाईचारा को बना के रखा जाए। जी, लेकिन जिस तरीके से परिवार का कहना है कि चुनावी रंजिश है, मुखिया जी का कहना है कि वहाँ पर पासवान समाज जो थे वो यादव बस्ती में गाना बजाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कहा सुनी होती है जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन गांव ग्रामीण जो है वो कह रहे हैं कि उनसे जो पासवान समाज के लोग हैं उनसे उल्टी साफ करने के लिए कहा गया था, उसके बाद ये विवाद हुआ। ये 3 अलग अलग विवाद निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह के जितने भी लोग हैं, जितने भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वाकई में सबसे बड़ी घटना यही निकल के आया, जब हम लोग भी गए थे तो ये कहा गया था कि एक राय जी का जमीन में एक अदर किसी का होटल है, उस होटल पे खाना खाने के दरमियान जो उल्टी हुआ उस उल्टी को साफ करने के लिए ही विवाद का जड़ वहां से बना है। लेकिन अदर कोई भी लोग, अब कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक रंजिश बताने का अब किसके मन में क्या चल रहा है ये तो नहीं, लेकिन वहाँ जो प्रॉपर जो लोग हैं जिन्होंने FIR में अपना नाम दिया और जिनके कलम से FIR हुई, मैं उनसे बात किया अपने टीम के साथ, तो उन्होंने यही कहा कि होटल पे खाने के दरमियान ये बात हुआ। तो ये देखा जाता है कि कहीं बस हो या होटल हो, अगर किसी व्यक्ति का उल्टी होता है किसी कारण से, तो ये जवाबदेही उनकी होती है जिनकी वो जगह होता है। बिल्कुल। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ बाबू तुम गलती किए हो तो इसको थोड़ा सा करो, लेकिन वहाँ किसी को मारना और लाठी डायरेक्ट चलाना ये तो गलत है, फिर उसके बाद उसके घर पे संख्या में चढ़ कर ये करना, तो ये सब गलत है। और हम तो चाहेंगे कि आपके मीडिया के माध्यम से, और विकास जी आप बहुत अच्छे खबर रखते हैं, तो आपके माध्यम से ये बात हमारे उन लोगों तक जाए जो आज सरकार और सरकार के विपक्ष में बैठे हुए हैं। देखिए कि आए दिन
आए दिन पासवान समाज के साथ हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही है और बहुत सारे ये अत्याचार हो रही है, तो नीतीश कुमार जी बैठकर क्या कर रहे हैं? ये डबल इंजन की सरकार जो है ये चाहती है कि बिहार में पासवान खत्म हो जाए, या तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं या तो बीजेपी के लोग चाह रहे हैं। दूसरी बात कि अगर यादव समाज के लोग अगर पासवान को मारते हैं तो ये 10 दिन से बहुत बड़ी घटना हो रही है और बहुत बड़ी चैनल पे चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ से एक बार भी बात बोला नहीं जा रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव केवल यादवों के वोट लेकर ही नेता बन रहे हैं, या फिर उनको पासवान भी सपोर्ट करती है या अदर कास्ट भी सपोर्ट करती है? तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज यादवों का अगर मन बढ़ा हुआ है या यादवों अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो हम तो कहेंगे कि सरकार इसमें शामिल है या तेजस्वी यादव शामिल है। तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए था उनको कि नहीं ये घटना गलत हुआ है, तो उनको बोलना चाहिए था। आप उन्होंने एक घटना को स्टेटमेंट दिया कि मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हुआ, चलो ठीक है ये बहुत गलत हुआ, उनके पिताजी का हत्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब आप ये बात को रख सकते हैं तब आप सोच सकते हैं कि 500 के संख्या में यादव पासवान के घर में घुस के वैसे बुजुर्ग महिला को मार के खत्म कर दिया, तोड़ दिया हाथ पैर, उसमें एक बार भी तेजस्वी यादव लाइव नहीं आए और एक बार भी नहीं बोले। ठीक है तेजस्वी यादव नहीं बोले, आज चिराग पासवान की बात आती है जो पासवानों के नेता होते हैं, तो चिराग पासवान एक बार स्टेटमेंट नहीं दिए मीडिया में आके कि ये जो हुआ गलत हुआ है। इन सभी नेताओं को केवल जनता का वोट चाहिए, जनता मर जाए उनके नेता को कोई मतलब नहीं है। मतलब उम्मीद आप लोगों को भी थी कि संसदीय क्षेत्र हाजीपुर जो है वो चिराग पासवान का है, इतना बड़ा पासवानों के साथ घटना घटा, चिराग पासवान वहां पे आएंगे और कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे। नहीं नहीं उम्मीद तो सारे पासवानों का होता है, क्योंकि लीडर होते हैं, नेता होते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने लोग इंजर्ड हो गए, कुछ पीएमसीएच में है, कोई सदर में है, उनकी हालत देखने के बाद लगता है कि जैसे अपना शरीर का आत्मा निकल जाए, इस बुरी तरह से मारा है, लेकिन चिराग पासवान एक बार भी नहीं बोले कि हाँ ये उन समाज के द्वारा गलत हुआ है, या फिर उन्होंने तेजस्वी यादव से बात करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने सरकार से बात करने की बात नहीं की। यही चिराग पासवान थे जब इनकी सरकार आरजेडी और नीतीश कुमार की गठबंधन में सरकार थी बिहार में, तो ये अपने लिए लड़ाई लड़ते थे, व्यक्तिगत लड़ाई को इन्होंने राजनीतिक लड़ाई बनाया। आज बीजेपी में भी ये भी अपने 5 सांसदों के साथ है और आज नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनी हुई है, लेकिन चिराग पासवान एक बार भी नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठाया। आज आए दिन देखा जा रहा है कि पासवानों के साथ घटना घट रही है, लेकिन ये भ्रष्ट जगह में ये भ्रष्टाचार जितना बढ़ा हुआ है, जितना क्राइम बढ़ा हुआ है, जितने लोग तादाद पे मर्डर हो रहे हैं, कहाँ सरकार चुप्पी साधी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है, न वो कुछ बोल रहा है न कुछ वो कर रहा है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं पासवान के नेता चिराग पासवान से? चिराग पासवान भी तो उसी गोद में जाकर बैठे हुए हैं जहां उनको नहीं बैठना चाहिए था। वो तो हम लोग को बेचने का काम कर रहे हैं, हम लोग को भंजाने का काम कर रहे हैं, केवल बुर्बक बना रहे हैं कि दलित का नेता है। बिल्कुल रविराज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, ठीक है ग्रामीण गांव के जो मुखिया जी हैं वो अपनी गलती मान रहे हैं, पर वो भी यादव समाज से ही है, वो भी उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज ने पासवान समाज पे हमला किया है। अगर मुखिया जी चाहते तो थाने को लिख कर देते पंचायत की ओर से कि हमारे पंचायत में इतनी बड़ी घटना घटी है, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती और थोड़ा जल्दी कार्रवाई करती। अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी निकल कर सामने आया है, बाकी 500 जो लोग हैं वो लापता चल रहे, अभी तक और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को कि इंसाफ मिल पाएगा? जैसे उम्मीद है, उम्मीद इसलिए है कि मैं खुद डीएसपी से बात किया हूं वैशाली, एसपी से बात हमारी नहीं हो पाई थी, उनसे एसडीएम से बात हुई थी, उन्होंने पुलिस बहाल किया और बोला कि मुहर्रम जो है एक हमारे अल्पसंख्यक भाई का एक मुहर्रम पर्व होता है जो सर पे था, उन्होंने कहा कि इस पर्व से हम लोग निकलते हैं, तो एक बार हम लोग बैठ कर, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन तत्कालीन जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था झगड़ा लगाने के काम, वही व्यक्ति किए थे। हमारे सदर थाना प्रभारी से उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो ये मुहर्रम के लिए थोड़ा सा लोग ये कर लिए थे, अब मुहर्रम का आज खत्म हो रहा है, तो कल से फिर हम लोग डीएसपी साहब से बात करेंगे, एसपी साहब से बात करेंगे, और जो मुखिया जी बोले हैं हम प्रयास करेंगे कि उन लोग को बैठकर, हम लोग बैठकर इस मसले को जितना जल्द हो सके भाईचारा का और सामाजिक संबंध को खत्म करते हुए भाईचारा कायम करने का काम किया जाएगा। और प्रशासन से उम्मीद है कि प्रशासन पहल की है और प्रशासन बेहतर काम कर रही है, और उम्मीद हम जताते हैं वैशाली एसपी से कि वो भी जो है कि बेहतर करके इसको भाईचारा को निभाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।